तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, 2023 में अगेन कह रहा हूँ बॉलीवुड का इतिहास बदलने आया है। जहाँ पठान, गदर 2 और जवान जैसे बॉम्ब तो फूट चुके हैं, अब चौथा बॉम्ब फूटने को बिल्कुल तैयार बैठा है। तो इंसानों ने बहुत तबाही मचा ली बॉलीवुड में, अब जानवर की बारी। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी एनिमल का टीजर अनाउंसमेंट हो चुका है विथ टाइम एंड मूवी रिलीज डेट के साथ, वो भी ऑफिशियली। तो सब बताऊंगा, इसके साथ एनिमल मूवी से रिलेटेड एक दो बोनस पॉइंट लेकर आया हूं, वो भी बताऊंगा। कितनी क्या कहते हैं टीजर की लेंथ होने वाली है और भी क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो भी डिलीवर करूंगा उसके बाद। लेकिन आपको पहले क्या करना है कि वीडियो के अंत तक तो जुड़े ही रहना है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैन हो तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करना है। दोस्तों, टैलेंट फैक्ट्री रणबीर कपूर आफ्टर ब्रह्मास्त्र ये बंदा एनिमल जैसी बड़ी स्क्रिप्ट के लिए भर के बैठा था, और ये इतना सॉलिड फटेगा कि जहां पठान और गदर 2 का कलेक्शन देखते रह जाएंगे, कब 1000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा कानों कान किसी को खबर नहीं लगेगी। क्या दोस्तों, बॉलीवुड के लिए पहले ब्लॉकबस्टर हिट होने की डेडलाइन होती थी लगभग 400 करोड़ या फिर ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ के आसपास। अगर कोई मूवी पहुंच जाए तो उसे बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में एक ब्लॉकबस्टर मूवी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जब से पठान आई है, मानो 1000 करोड़ तो बच्चों का खेल हो गया, 1000 करोड़ का कलेक्शन करना बच्चों का खेल हो गया, और डेफिनेटली एनिमल भी 1000 करोड़ टच करके ही जाएगी, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है ना, वो बड़ा जबरदस्त बंदा है यार। जब इसने कबीर सिंह निकाली थी ना, तो एक ब्रोकन हार्ट लव स्टोरी से, वो भी डब्ड वर्जन, कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, मतलब रीमेक वुड में रीमेक निकाला था, जो एक मलयालम मूवी पहले ही आ चुकी थी विजय देवरकोंडा की, उसी का फुल रीमेक था कबीर सिंह, जिसने 377 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। और 2023 तो वैसे भी मासी एक्शन गैंगस्टर वॉर मूवी का ट्रेंड चल रहा है, तो बस इसी हाइप को फुल मैच करने ही नहीं, अबव देन इससे भी ज्यादा देने एनिमल आ रहा है। जहां दोस्तों, पहले ही बता दे रहा हूं, कहीं 28 सितंबर को आप सोते रह जाओ और 28 सितंबर को पूरी इंडिया में खलबली मची हो। जहां दोस्तों, 28 सितंबर को एनिमल का टीजर रिलीज होना है, और सुनने में यह भी आ रहा है कि टीजर की लेंथ लगभग 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास होने वाली है। और तुम अंदाजा लगा लो, जब 40 सेकंड की फर्स्ट लुक निकली थी एनिमल का, जब रणवीर कपूर वो कुल्हाड़ी लेके इतने सारे बंदों को चीरते हुए, मतलब पूरा जानवरों की तरह मारते हुए आगे बढ़ता है, ऐसा मासी रस्टी राउडी एक्शन देखने को मिला था उसमें। तो इस बार पूरे टीजर में जब इतनी बड़ी लेंथ होगी टीजर की, तो क्या क्या मिलने वाला है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टैलेंट से भरे जानवर को देखने के लिए। इसी के साथ ये भी पोस्टर सहित अनाउंस कर दिया है कि मूवी को 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया जाना है। कब? 2023 एंड ऑफ द दिसंबर, 1 दिसंबर को। भाई साहब, दिसंबर में जो क्राउड रहने वाला है थिएटर हाउस में, मजा आ जाएगा, फुल खचा खच भरा रहेगा पूरे महीने में, क्योंकि 22 दिसंबर को SRK अगेन डंकी मूवी के साथ दस्तक देने वाले हैं थिएटर में, तब होने वाली है तबाही, भाई साहब तबाही होने वाली है, बाय गॉड। हाँ, टीजर का टाइमिंग भी बता दिया है, सुबह 10 बजे। तो यस, गांठ बांध के रख लो इसको कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे एनिमल मूवी का टीजर रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोग ये बताएंगे कि एनिमल के लिए कौन कितना एक्साइटेड है और मैं कितना एक्साइटेड हूँ, ये आप वीडियो में देख ही चुके हैं। मैं तो जबरदस्त बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा, इस बंदे ने एक बार ये अनाउंस भी किया था किसी इंटरव्यू में, ये भी बोला था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्शन मूवी क्या होती है औकात बता दूंगा, बाई गॉड। तो ये देखते हैं कितना सच होने वाला है, कितना नहीं। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है, और क्या ये मूवी, यहाँ एक क्वेश्चन डालते हैं, क्या ये मूवी गदर 2 की तरह या फिर जवान की तरह, पठान की तरह 700 करोड़ हिट करेगी? मैं तो कह रहा हूँ 1000 करोड़ ये मूवी टच कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। अगर हाँ तो फटाफट कमेंट बॉक्स पर यार अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रूबरू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।